चंपारण में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा में विपक्ष पर साधा निशाना, बोले इन्हें देश नहीं सिर्फ अपने परिवार से मतलब। चुनावी नतीजों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा 4 जून को इंडिया इंडी वालों के इरादों पर होगा सबसे बड़ा प्रहार। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल सतंज कहा, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, खाते स्विस बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय जनता दल पर भी साधा उन्होंने निशाना, आरजेडी आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने रखी 3 बातें, 4 जून को मोदी सरकार के जाने का दावा। इंडिया गठबंधन को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, का विपक्ष को मिल रही 300 से ज्यादा सीटें बनाएंगे सरकार। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह पर भी साधा निशाना लगाया, जनता को गाली देने का आरोप। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को लेकर दिया एक और स्लोगन, कहा इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। स्वाति मालीवाल केस में जांच जारी, दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया, विभव को मुंबई ले जा सकती है पुलिस। सबसे पहले पुलिस विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेगी, विभव की रिमांड का आज 30 दिन। गुरुवार रात तक विभाग को कोर्ट में पेश करना होगा, एसआईटी समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को देगी रिपोर्ट। विभव कुमार के घर से पुलिस ने कुछ गैजेट्स भी बरामद किए। आरोपी और पीड़ित दोनों को क्राइम सीन पर ले जाकर हो चुकी है रिक्रिएशन। जैन सेना को बीजेपी ने भेजा नोटिस, 2 दिन में देना होगा जवाब। जनसेना पर चुनाव के काम में शामिल होने का आरोप, इलेक्शन में मताधिकार का भी नहीं किया इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में निकाली अनोखी चुनाव प्रचार यात्रा, साइकिल से रोड शो करके वोटिंग की अपील। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन, पोर्शा चला रहे नाबालिग आरोपी पिता गिरफ्तार। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग को जमानत, पुलिस ने कोर्ट से वायस की तरह मुकदमा चलाने की मांगी इजाजत। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर साधा निशाना, कहा जिन मंदिरों में जा रही है कंगना वहां पर सफाई कराना जरूरी। जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है, ये चीजें हम नहीं कह रहे, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं। कंगना के कुर्सी से चिपकने वाले बयान पर भी विक्रमादित्य सिंह ने साधा निशाना, बोले जनता के प्यार से मिली है कुर्सी। हम कोई चिपकने वालों में से नहीं है, जनता में प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है, जिसकी वजह से हम उस कुर्सी के ऊपर विराजमान है। जुबान फिसलने वाले बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मांगी माफी, कहा प्रायश्चित के लिए अगले 3 दिन का रखेंगे उपवास। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। देवभूमि मेमोरियल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजीव गांधी के अर्पित किए पुष्प। सोनिया गांधी ने भी वीर मेमोरियल पहुंचकर राजीव गांधी की प्रतिमा समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी, राहुल गांधी भी साथ नजर आए। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित की। वीरभूमि मेमोरियल में कार्यकर्ताओं ने जलाई मशाल, राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी।
तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना, कहा मोदी जी और शाह जी ने देश को बर्बाद कर दिया। मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में कि लोग ठीक नहीं हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया खुला चैलेंज, का अगर हमसे ज्यादा नौकरी दिए हो तो बता दें राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हम सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री जी ने, तेजस्वी से अगर ज्यादा नौकरी दिया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बताया पिता, कहा नीतीश कुमार से प्यार और स्नेह रहेगा। इंडी गठबंधन पर योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश की बुलडोजर से घबराया हुआ है पूरा विपक्ष। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अखिलेश ने अफसरों को दी चेतावनी, कहा सरकार बदलने ते ही बदल जाएंगे ड्राइवर्स। असम के मुख्यमंत्री बिस्वानी पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरा, कहा तुष्टिकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो मतदान के बाद बिहार के सारण में हुई हिंसा, आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। सारण हिंसा पर पुलिस का एक्शन, दो आरोपियों को लिया गया हिरासत में, इंटरनेट सेवा पर भी रोक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 19 तारीख के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा में भारी बदलाव आया, परिवर्तन आया, और ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, पीड़ित हुए। जयराम रमेश ने कहा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो भारत के किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर साधा निशाना, कहा हिमाचल चुनाव के वक्त भी प्रधानमंत्री ने रैली की थी लेकिन भाजपा चुनाव हार गई थी। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा देश में इस बार बदलाव का माहौल। काराकाट सीट पर प्रचार के दौरान पवन सिंह ने दिखाया पावर, महिलाओं ने पवन सिंह की जीत के लिए गीत गाया। में बीजेपी नेता वी के पांडियन ने रोड शो किया, लोगों से समर्थन मांगा। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जनसभा, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कुमार के समर्थन में वोट मांगे। कोलकाता में असम के मुख्यमंत्री ममता बसपा शर्मा ने सभा की, बीजेपी के पक्ष में मांगा समर्थन। दिल्ली में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने रैली की, बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के पक्ष में मांगा वोट। दिल्ली के द्वारका में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रोड शो किया, लोगों से बीजेपी पक्ष में मतदान करने की अपील की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चला विशेष संपर्क अभियान, बीजेपी के पक्ष में मांगा समर्थन। राजौरी में महबूबा मुफ्ती ने किया रोड शो, जेके पीडीपी के पक्ष में मांगे वोट। बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने सभा की, लोगों को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने रैली की, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। फतेहपुर शेखावाटी में रही सीजन की सबसे गर्म रात, 30.8 डिग्री। फतेहपुर शेखावाटी में गर्मी को देखते हुए समाज सेवी निकलकर सामने आए। गर्मी के बीच भी जारी है देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के विराट महोत्सव की तैयारी। शेखावटी में हीटवेव के दबाव के साथ तापमान में होगी बढ़ोतरी, कुछ इलाकों में पारा 47 डिग्री। धर्मशाला में हीटवेव की वजह से स्कूल का समय बदल दिया गया, सुबह 7:30 बजे खुलेंगे स्कूल, डीसी ने जारी कर दिया आदेश। तिरुचिपल्ली में बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत, घरों में घुस गया पानी। तिरुचिपल्ली में सड़कों पर हो गया जल जमाव, लोगों को हो रही है परेशानी। पुणे में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश होने से मिली राहत, बारिश से तापमान में आई गिरावट। वाशिम में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। कांगड़ा में बारिश से पानी में सराबोर हो गई सड़कें, बारिश के पानी से बसते नजर आए स्कूली बच्चे। चार धाम यात्रियों के लिए सुविधा में जुटा प्रशासन, गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचने वाली यात्रियों को दी जा रही है कई प्रकार की सुविधाएं।
विकास नगर में छात्रों के लिए देवदूत बनी सहसपुरा पुलिस, लिफ्ट में फंसे आधा दर्जन छात्रों को सफल रेस्क्यू। ऊटी में लगी 126वीं फूलों की प्रदर्शनी, बारिश ने प्राकृतिक सौंदर्य में लगाया चार चांद। लोगों ने बारिश में छाता लगाकर देखी प्रदर्शन, बारिश से सराबोर हुई शहर की सड़कें। सूरत में बन रहा है स्वदेशी ड्रोन, विदेश में स्वदेशी ड्रोन की खूब डिमांड। पुंछ के कृष्णा घाटी में नियंत्रण रेखा के पास पिछले 18 घंटों से लग गई आग, राहत और बचाव कार्य में जुटे प्रशासन। दिल्ली के करोल बाग इलाके में कपड़े की दुकान में लग गई भीषण आग, बड़े नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाया, जबरदस्त हंगामा। कोपल में एक हार्डवेयर की दुकान में लग गई भीषण आग, आग ने देखते ही देखते आपस पास की तमाम दुकानों को चपेट लगी। बल्लभगढ़ से अपहरण हुए व्यापारी को पुलिस ने नोएडा में छुड़ा लिया, आरोपी मौके से फरार।